जैसा कि हम सबको पता है कि 19 तारीख को 19 नवंबर को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे स्टेट और हमारे डिस्ट्रिक्ट में आ रहे हैं, और हमारे लिए बहुत ही उत्सव का माहौल है कि हमारा स्टेट का जो फर्स्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है ईटानगर एयरपोर्ट, धोनी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर, उसके इनॉग्रेशन के लिए हमारे प्रधानमंत्री आ रहे हैं और हमारे बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स भी आ रहे हैं। उसमें हमारे प्रिय रिजिजू साहब भी आ रहे हैं और सिविल एविएशन मिनिस्टर भी आ रहे हैं और शायद जनरल रिटायर्ड वी के सिंह भी आ रहे हैं। हमारे राज्य के ऑनरेबल CM साहब भी हैं, DIP CM साहब भी हैं, सारे मिनिस्टर्स हैं, ऑनरेबल MLA साहब हैं, मेयर साहब हैं, काउंसलर साहब हैं और जितने हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं, CS चीफ सेक्रेटरी हैं, DGP साहब हैं, सब लोग लगे हुए हैं कि किसी भी तरह से हम मोदी जी को कोई तकलीफ ना होने दें, उनका जो पूरा प्रोग्राम है वो अच्छे से हम लोग अटेंड कर पाएँ और जो हमारे नागरिक हैं चाहे वो ईटानगर के हों या पापुमपारे के हों या हमारे किसी भी दूसरे डिस्ट्रिक्ट के हों या असम के भी हों फॉर देट मैटर, वो लोग इस इवेंट को अच्छे से अटेंड कर पाएँ और जो मोदी जी हमारे साथ अपना व्याख्यान जो उनका लेक्चर है जो उनका स्पीच है वो साझा कर पाएँ तो उसको हम अच्छे से इम्बाइब कर पाएँ। उसके लिए हम लोग पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और ऑलमोस्ट तैयारियाँ हो चुकी हैं। अभी फाइनल टच के लिए ड्राई रन 1 बजे से स्टार्ट है तो अभी फाइनल टच हो जाएगा उसके बाद, और कल एक फाइनल टच है, कल गवर्नर साहब भी वेन्यू का इंस्पेक्शन करने के लिए आ रहे हैं। तो इसमें जो पार्टिसिपेंट है जो हमारे जनता है उसके लिए भी काफ़ी प्रावधान किए गए हैं, लेकिन कैसे आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री का जी का जो प्रोटोकॉल है वो हाईएस्ट प्रोटोकॉल होता है, ग्लू बुक होता है, उसके हिसाब से होता है। तो SPG पूरा प्रोग्राम का एक्सेस कंट्रोल करते हैं, उसके हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारा एंट्री और एग्जिट का टाइम है उसके ऊपर हम लोग ज़्यादा ध्यान दें। तो एंट्री एज ऑफ टुडे जो है वो 6:15 बजे से स्टार्ट हो जाएगा मॉर्निंग को, और जो लास्ट एंट्री है वो करीब 8 बजे तक हो पाएगा। उसके बाद लोगों को तकलीफ थोड़ा होगा अगर वो डिले करते हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट यही है कि लोग 6:30 बजे से सुबह 8 बजे तक वहाँ पहुँचने का ट्राई करें और उसके हिसाब से एंट्री करें। जो एंट्री के लिए थोड़ा पासिस का भी प्रावधान किया गया है वो भी SPG, और क्योंकि ये गवर्नमेंट का फंक्शन है तो इसमें इनवाइटेड गेस्ट को ही बुलाया जाता है, तो उसके हिसाब से आप लोग अपना पासिस ले सकते हैं। पासिस स्टेट गवर्नमेंट का जो प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट है वहाँ से ले सकते हैं, तो उसका जो एड्रेस है वो सेक्रेटेरिएट का 2nd ब्लॉक का 1st फ्लोर है, वहाँ जाके आप अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ से आपको पासिस मिल जाएंगे। इसके अलावा ऑनरेबल्स MLA साहब को, ऑनरेबल मिनिस्टर्स को, मेयर साहब को भी पासिस मुहैया कराए गए हैं, तो वहाँ से भी आप अपने पासिस इकट्ठे कर सकते हैं। बिसाइड्स दिस बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ले जाने के लिए भी प्रतिबंधी है, रिस्ट्रिक्टेड है, तो उसमें जो लिस्ट है वो जगह जगह डिस्प्ले किया जा रहा है होर्डिंग्स के थ्रू, रेडियो जिंगल्स के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, और जो हमारा इन्विटेशन पास और कार्ड है उनके बैक साइड में भी लिखा है कि क्या क्या चीज़ें ले जाने से कष्ट होगा, तो वो चीज़ें ना लिखे जाएँ क्योंकि बहुत सेफ्टी सिक्योरिटी का एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है आप PM विजिट के लिए। तो ये सब SPG और स्टेट गवर्नमेंट की जो पुलिस है उसके डायरेक्शन के हिसाब से हो रहा है। थोड़ा तकलीफ होगा लेकिन हमको इतने बड़े हमारे पूरी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी पूरी दुनिया की है, उसके नेता जो शीर्ष नेता हैं उनको सुनने का मौका मिलेगा, तो अगर थोड़ा कष्ट होता है तो उसको हम लोग ज़्यादा दिल से ना लगाएं और उसको सुनने का कष्ट। सिक्योरिटी अरेंजमेंट बहुत दुरुस्त किए गए हैं, जितने भी हमारे पुलिस डिपार्टमेंट हैं उनका DGP साहब से लेकर नीचे सारे कांस्टेबल हैं, उसमें भी करीब उनके 2000 के आस से भी ज़्यादा कांस्टेबल प्लस अदर मैन फोर्स डिप्लॉय किए गए हैं। आज भी 3 कंपनीज पुलिस की बताई जा रही हैं कि वो ज्वाइन करेंगी, तो कोई भी ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर हो। तो लोगों से मेरा बस ये रिक्वेस्ट है कि थोड़ा डिसिप्लिन में रहें और जिस फीलिंग के साथ, जिस इंटेंशन के साथ स्टेट गवर्नमेंट के ऑनरेबल CM साहब ने प्रधानमंत्री जी को इनवाइट किया है उसी तरह से हम अपने अरुणाचली कल्चर दिखाएं और जो वेलकमिंग है अतिथि देवो भव उस कल्चर को हम निभाएं और कोई भी रकस क्रिएट ना करें, कोई भी तकलीफ नहीं होगा। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पूरा स्टेट गवर्नमेंट आपके साथ है और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी लोग हैं वो अपना पासिस ले लें और टाइम से निकलें और टाइम से पूरे पैन अरुणाचल में, क्योंकि आपको पता है कि अरुणाचल में ईटानगर और पापुमपारे में पुलिस फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स, बट फिर भी जितने हमारा अरुणाचल प्रदेश में बहुत पुलिस है, बहुत IRBN का बटालियंस है, कंपनीज हैं, उन सबको डिप्लॉय किया गया, तो काफ़ी डिस्ट्रिक्ट से, नियर बाय डिस्ट्रिक्ट से डिप्लॉयमेंट किया गया है। अरेंजमेंट के हिसाब से हमने 10,000 प्लस का कैपेसिटी क्रिएट किया है, तो 10,000 से ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम एज ऑफ टुडे, तो करीब हम लोग 12,000 के आसपास एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा जो पार्टिसिपेशन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ICR से होगा क्योंकि उनके एरिया का पार्ट है, और ICR वैसे पापुमपारे का भी पार्ट बोल सकते हैं डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, तो कैपिटल से सबसे ज़्यादा है, उसके बाद पापुमपारे है, उसके बाद ऐसा कोई मनाही नहीं है, लोग आसाम से भी आ सकते हैं, बाकी डिस्ट्रिक्ट हमारे जो राज्य के वहाँ से भी आ सकते हैं, तो लोगों को बस अपना जो कार्यक्रम है उसके हिसाब से थोड़ा प्लान करना पड़ेगा कि उनको जो एंट्री पास है वो पहले से ले लें और उसके बाद जो टाइम है उसके साथ रिस्ट्रिक्ट करें। जी टाइमिंग जो है वो SPG ने डिसाइड किया है, तो लास्ट गेट ओपन का और क्लोजिंग का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के लिए हम बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो ओपनिंग का टाइम करीब 6:15 बजे है। एक्चुअली ऐसा होता है कि जो प्रोग्राम होता है उसका सुबह AS चेक होता है, एडवांस सिक्योरिटी चेक बोलते हैं, AS चेक बोलते हैं, तो वो T-3 आवर्स से पहले हो जाना चाहिए, तो जब टाइम प्रोग्राम का है उसे 3 घंटा पहले हो जाना चाहिए,
तो उससे पहले ही हो जाता है, वो लास्ट टाइम है। तो एसपीजी अपना कार्यक्रम, अपना पूरा बॉम्ब स्क्वाड, थ्रेड डॉग स्क्वाड, पूरा उसको सैनिटाइज कर लेते हैं, उसके बाद लोगों का एंट्री फ्रिस्किंग के बाद कर सकते हैं। तो लास्ट उनका टाइम 6:30 बजे तक देने का है, तो आई एम होपफुल कि वो 6 बजे तक हमको दे पाएंगे। तो जब वो दे देंगे तो उसके बाद गेट्स ओपन हो जाएंगे, तो 6 बजे से लेकर 8 बजे तक हम लोग को एंट्री करने का मौका मिलेगा। उसके बाद हम लोग अपने यथा स्थान पर बैठेंगे। 3 टाइप के वहाँ किए गए हैं। हम लोग ने एक VIP एनक्लोजर बनाया है, जिसमें हमारे जो राज्य के डिग्नेटरीज हैं, स्टेट गवर्नमेंट के और भारत सरकार के भी बहुत सारे मिनिस्टर्स एंड सेक्रेटरीज आ रहे हैं, तो उनके लिए प्रावधान किया गया है। उसके बाद हमने 1500 स्टूडेंट्स का भी पार्टिसिपेशन एंश्योर किया है, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट से 500 और कैपिटल रीजन से करीब 1000 स्टूडेंट्स को भी हम लोग वहाँ लेके जा रहे हैं, सो दैट कि वो मोदी जी को सुन पाएँ, सीधा सुन पाएँ। और इसके अलावा बाकी जो है वो जनरल इन्वाइटीज हैं, तो उसमें काफ़ी बड़ा नंबर दिया गया, करीब 10,000 नंबर दिया गया है, तो जितने भी लोग हैं वो वहाँ पहुँच सकते हैं। इसके अंदर खाने पीने की मनाही की गई है SPJ के द्वारा। हमने पहले थोड़ा प्रावधान किया था, बट अभी वो टोटल रिस्ट्रिक्टेड है, तो हम लोगों ने वो प्लान ड्रॉप कर दिया। अंदर केवल पीने का पानी मुहैया कराया गया और वॉशरूम वगैरह है। तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने घर से जब निकलें तो अपना खा पी कर निकलें, क्योंकि 5-6 घंटे आपको बिना फूड के रहना पड़ेगा। तो जो लोग उस तरह से हैं कि जिनको भूख ज़्यादा लगता है, तो वो लोग घर से खा पी के निकलें। एक्चुअली PM का, जैसे मैंने बताया, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल काफ़ी हाई रहता है, तो उसमें जनरल पासिस का रिक्वायरमेंट है। अगर कोई बिना पास के आता है तो उसका ऑन द स्पॉट डिसीजन देखा जाएगा, बट इट्स नॉट एडवाइजेबल, क्योंकि आपको अगर एंट्री करना है तो पासिस का ही प्रावधान किया गया। करीब 12,000 पासिस हमने मुहैया कराए हैं स्टेट गवर्नमेंट को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, तो उसके हिसाब से सबको पासिस के थ्रू आने के लिए रिक्वेस्ट किया जा रहा है। हाँ, मैसेज मेरा यही है कि जितने हमारे लोग जा रहे हैं, क्योंकि 10,000 लोगों का मूवमेंट बहुत बड़ा मूवमेंट हो सकता है, क्योंकि टाइम बहुत कम है। 10,000 लोग नॉर्मल टाइम पूरे दिन में निकले तो बहुत ईजी होता है, लेकिन विदिन 2 आवर्स के अंदर सब लोग मूव करेंगे, तो जो गाड़ियाँ हैं वो तरीके से चलाएँ और किसी से भी टक्कर ना करें, है ना। और दूसरा है कि अपना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके चलें। पुलिस का बहुत सख्त पहरा है वहाँ पर, तो अपना एक सभ्य नागरिक की तरह, एक सिटीजन की तरह आराम से पहुँचे। आपको एक मौका दिया जा रहा है हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से कि हम लोग मोदी जी को सुन पा रहे हैं, तो उस मौके को किसी भी तरह से उसमें खटास ना आने दें। हम लोग वहाँ समय से पहुँचें, 6 बजे से 8 बजे तक के बीच में पहुँचने का ट्राई करें, उसके बाद आप एंट्री करें, अपने यथास्थान पर पहुँचें। आपके कम्फर्ट का पूरा ध्यान रखा गया है, आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी, ऐसा प्रावधान किया गया है। बस खाने पीने का, क्योंकि अभी मनाई है तो खाना पीना थोड़ा नहीं अवेलेबल हो पाएगा, तो वो आप घर से खाएं या रास्ते में आते हुए खा लें, जो भी फल फ्रूट खाना है या घर से खा।